सबका ख्याल रखने वालों का ख्याल रखने वाले कम होते हैं, तो जब जीतू भैया को सलाह की जरूरत पड़ती तो वो किधर जाते हैं? पूजा दीदी है क्या? पूजा दीदी आई है क्या? पूजा दीदी आ सकती हैं अभी। मैं पहले आपसे पूछता हूँ, तिलोत्तमा आपको किस तरह की दो, अरे क्या है अब तो मैं कमिट कर चुका हूँ, अब पहले जवाब देना पड़ेगा आपको जब इस तरह की तैयारी आप करती हैं, जब इस तरह का शो जिसका इतना कल्ट है, इतना बड़ा फॉलोइंग है, जब आप उस यूनिवर्स में एंटर करती हैं तो किस तरह की तैयारी आप करनी? पहली बात तो ये कि नर्वस मत हो, टू टेल माई सेल्फ दैट डोंट गेट ओवरवेल्म्ड एंड डोंट गेट नर्वस and most importantly to not compare myself with Jitu bhaiya. Because you know it's the beginning of the end if I started comparing myself with him and the love that he has, and the other thing was to brush up my chemistry. You know, so I felt like I was back in school, and it was great fun. यार मेरे को एक लाइन जो शो में जो है जीतू आपकी वो है कि क्या है वो लाइन, लर्न क्या है, लर्न सीखने को तैयारी ही जीत है, तैयारी ही जीत है, तो ये लाइफ में आप खुद भी अप्लाई करते हो? हाँ, आई थिंक जो एक बहुत पॉपुलर लाइन है कि प्रोसेस इज एवरीथिंग और प्रोसेस से प्यार करो, तो ये उसी का ही हिंदी अर्थ है. और मेरी लाइफ में तो आई थिंक कुछ मोमेंट्स आते हैं जब तुम प्रोसेस से हट जाते हो, बट आई थिंक उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब तुम, मैं एनालॉजीज बहुत सारी हैं कोटा फैक्ट्री में, तो एक एनालॉजी क्रिकेट की दे सकता हूँ कि जब तुम खेलते हो तो तुम नहीं सोचते हो कि यार, तुम फोकस करते हो कि यार बैटिंग चाहिए या बॉलिंग चाहिए या इसका विकेट चाहिए, तो तुम उधर ज़्यादा ध्यान देते हो, बाकी फाइनल मंजिल क्या होगी, टारगेट्स क्या होंगे, वो बहुत मोमेंट्री होते हैं, चाहे वो फेलियर हो चाहे सक्सेस हो, तो मेरी लाइफ में तो बहुत मैटर करती है लाइन, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तैयारी ही जीत है. क्या बात, राघव विद सच success to this universe of Kota Factory. How responsible you feeling? What are the things you always keep in mind? Ki bhai ye char cheeze touch mat karo, ye nayi kahani apni jagah hai, ye to aise hi rahega. What are those things? I think we always reach back into season 1 whenever we are thinking about Kota Factory, because that's the origin, that's the big bang, that's where it all started from. So we lean into season 1 a lot as to what the feelings were, what are the things that the audience really loved, and I think that the fact that so many people are involved in the making of this show, the input that we get from a lot of people, not just from PVF but also from Netflix, I think it all comes together in a beautiful little small simple show like Kota Factory. I'm sure it's one of the most iconic shows, guys. Huge round of applause for the team of Kota Factory. Please, let's do a photo op. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.